अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रमशाज एक्सपेडिशन विद अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है सबका? क्या आप सबको कुकिंग मुश्किल लगती है या आसान, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग है आलू कीमा के बारे में, कि ईजी और क्विकली आलू कीमा कैसे बनाएं। जस्ट ज्वाइन मी इन पाकिस्तानी किचन इन कैनेडा, मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्याज और उसको मैंने काट लिया था बारीक बारीक। प्याज काटना यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि मुझे घर वाले कहते हैं राइयों के नाम पे धब्बा, क्योंकि यहाँ प्रेशर कुकर तो है नहीं। तो मैंने कढ़ाई के अंदर कीमा बनाना है। चलें, यहाँ पे मैंने लिया है 625 ग्राम कीमा और मैं उसको वॉश कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लिए 2 चम्मच ऑयल के डाले, प्याज लिया था उसको उसके अंदर डाल दिया, हाई फ्लेम पर टेम्परेचर सेट किया है। आपको यहाँ पे एलुमिनियम फॉयल नज़र आ रही होगी, सिल्वर पेपर, वो इसलिए मैंने बिछाया हुआ है इसके ऊपर, इसलिए इसको कवर किया ताकि नीचे वाली जो है शीट वो गंदी ना हो, क्योंकि वो साफ़ नहीं होती। और फिर जब आप घर रेंट पे कनाडा में छोड़ते हैं तो आपको आपके डिपॉजिट्स पहले वाले नहीं मिलते। मेरी कढ़ाई भागी जा रही थी, कढ़ाई बहुत स्लिप होती है, इसको पकड़ के कुकिंग करनी पड़ती है। अब मैंने ले लिया है लहसुन 1/2 चम्मच, क्वांटिटी के हिसाब से देखना पड़ता है आपको कितनी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। मैंने फ्यूजन की रेसिपी फॉलो की थी और ये लिया है मैंने 1/2 चम्मच मसाला, 1 चम्मच मिर्चें, और अब मैं लूँगी हल्दी। यहाँ पे मुझे हल्दी ऐसे मिली थी तो मैंने हल्दी भी 1/2 चम्मच ही लिया, लेकिन आप लोग अपने हिसाब के टेस्ट के हिसाब से आप इसको कम से ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने फिर बाद में कम कर ली थी थोड़ी सी। और यहाँ मैंने 1 चम्मच ही नमक लिया है, टमाटर मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे और मैंने टमाटर इसके अंदर डाल दिए। आप भी जैसे ही देखेंगे आपके प्याज गोल्डन हो गए तो आप मसाला डाल दें, टमाटर। यहाँ पर मैंने डाला था इसके अंदर दही 1 चम्मच, फिर उसके बाद मैंने कीमा अच्छे से धोने के बाद मैंने कीमा डाल दिया था और कीमा पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने डाला था दही तो दही ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया और मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब ये कब पानी सूखेगा और कब मैं इसके अंदर मज़ीद पकने डालूँगी। फूड फ्यूजन की रेसिपी फॉलो की है, उन्होंने बीच में मेथी का पाउडर भी डाला था तो मैंने वो नहीं डाला, कि यहाँ पे अभी तक मैंने वो लिया ही नहीं है और ना ही मैं उसके लिए गई हूँ कि मैं जाके मेथी का पाउडर देके आऊँ। सो नेक्स्ट मैंने आलू कर लिए थे चॉप बारीक बारीक, इसमें मेरी हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जैसे ही कीमे का पानी खुश्क हुआ तो मैंने आलू डाल दिए थे, आलू अच्छे से मतलब भून लेने हैं, और आपने कीमे में आलू तब डालने हैं जब आपको कीमे का कलर चेंज होता हुआ नज़र आए। तो आलू डालने के बाद इसको फिर से मैंने 5 से 6 मिनट भूना था अच्छे से, और फिर मैंने इसके अंदर डाला था तकरीबन 1.5 कप। वहाँ पे फूड फ्यूजन की रेसिपी में लिखा हुआ है कि आपने 2.5 कप या 2 कप पानी के डालने हैं। सो अगर आप कैनेडा में हैं तो कैनेडा में आपको कढ़ाई में बनाने के लिए सिर्फ 1.5 कप पानी का काफ़ी है। और मैंने इसको रख दिया था पकने, दम पे रख देना है आप लोगों ने, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब इसको थोड़ा सा जैसे ये बॉयल होने लगता है ना वैसे ही आपने इसको दम पे रखना है, मीडियम फ्लेम कर दें ज़्यादा बेस्ट है। अगर मीडियम से कम रखना चाहते हैं तो आप 3 पॉइंट्स पे रख सकते हैं, मेरे तो 3.123 लिखा हुआ है, सो मैं उस हिसाब से ही आपको गाइड कर सकती हूँ। जैसे ही मेरा कीमा बन के तैयार हुआ था तो मैंने उसको प्लेट में निकाल लिया था, सेपरेट कर लिया, और मैंने यहाँ पे लिया था शान के प्लेन नान। मैंने नान फ्राई किए थे, उसकी वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी। नान फ्राई करने के बाद मैं खाना सर्व कर चुकी थी और यहाँ पर हम बैठे खाना खाने का इंतज़ार कर रहे थे। यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों ने आलू कीमा आसानी से बनाना सीख लिया होगा, इतना टाइम नहीं लगता, आप इसके बाद गार्निश भी कर सकते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अ टिप फॉर यू दैट के खान घर में कोई भी चीज़ हो आप उससे कुछ भी बना सकते हैं।
रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज़.